मेरा नाम पुरुष सिब्बर है, मैं इसमें शिशुपाल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। माय नेम इज़ राशि और मैं इस मूवी में मिश्रिता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, रघुवीर यादव जी की डॉटर का कैरेक्टर। हाँ जी, ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, बस ये एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी है, बहुत ही लाइट हार्टेड सी इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी है। ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा बताएंगे तो फिर आपको सब पता ही, ये आपको जाकर खुद देखना पड़ेगा बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली की गई है तो हम उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकते। एक लड़की का मसला है जो उसकी तलाश है, जारी है और कहीं असलियत का जो पता लगाने के लिए तरीका है उसमें शायद ऐसी बात आ जाती है कि लड़की चाहिए क्योंकि वो मसला लड़की का ही है। तो ये है इस फिल्म का टाइटल, उसकी वजह तो कॉमेडी तो नहीं कहेंगे इसे, सीरियस किस्म की फिल्म है जो बड़े लाइट वे में चलती है और आगे जाके सीरियस हो जाती है। अब ये क्या है कि हमारे जो फिल्म के हीरो हैं वो पंजाबी बैकग्राउंड से हैं और हमारी फिल्म में फिल्म जो है बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन फिल्म है और इसमें ये रेप केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट हो रही है। तो ये एक बहुत ही लाइट हार्टेड कम मतलब फिल्म है। जो सबसे मेन चीज़ है कि अपना इस पिक्चर के थ्रू एक मैसेज देने की हमने कोशिश करी है कि 100 गुनहगार बच जाए मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मेन जो अपनी पिक्चर का जो मोटिव है वो यही है। शिशुपाल जो रघुवीर जी हैं, जिनका नाम गोविंद जी हैं फिल्म में, वो उनका चेला है, उनके साथ रहता है, उनकी हर बात सुनता है, जैसे वो बोल उनके लिए वो सब सही है। तो जो वो बोलेंगे तो उनको बॉस से बुलाता है, तो जैसे वो बोलते हैं वैसे वो करता है और यही कैरेक्टर है उसका। जी, मेरा कैरेक्टर मिश्रिता का है, रघुवीर यादव जी की डॉटर का कैरेक्टर, गोविंद जी की डॉटर जो है वो एक बहुत ही होमली लड़की दिखाई गई है। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड स्वीट होमली गर्ल है बस।